हेलो फ्रेंड, आजकल ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ आ रही है। जब भी वो अपना व्हाट्सअप बना रहे तो उनको कोड रिसीव नहीं हो रहा, उनको वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं हो रहा। कभी 1 घंटे का टाइम आ रहा है, कभी 2 घंटे का, पर 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उनको कोई कोड रिसीव नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, किस तरीके से मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर आप भी अपने व्हाट्सअप का OTP रिसीव करना चाहते हैं अपने नंबर पर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे 110%। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ और नंबर डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो मुझे जो है टाइम 1 घंटे का दे दिया जाएगा। यहाँ देखिए रिक्वेस्टिंग आ रही है, रिक्वेस्टिंग के लिए यहाँ देखिए मुझे 1 घंटे का टाइम दे दिया है यहाँ पे, पर 1 घंटा मैं रुक रहा हूँ। रुकने के बाद भी मुझे कोड रिसीव नहीं हो रहा। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, देखिए यहाँ पे नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 घंटे का टाइम है कि कॉल मी वाले ऑप्शन पे भी मैं क्लिक करूँगा तो फिर भी मुझे कोड नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली स्क्रीन शूट ले लेना है, इस चीज़ का स्क्रीन शूट ले लेना और इस चीज़ का भी स्क्रीन शूट लेना है। इन दोनों का स्क्रीन शूट लेने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट वाला निशान मिल रहा होगा, 3 डॉट वाले पे क्लिक करना है, हेल्प वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा, आपको यहाँ पे दिस डजंट आंसर माई क्वेश्चंस, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपने एक टेक्स्ट लिखना है, मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप इसको सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, अपना कंट्री और अपना नंबर और अपना नाम सब कुछ लिखना है। लिखने के बाद आपको स्क्रीन शूट नीचे देखें, स्क्रीन शूट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन शूट आपने ऐड करना है। तो हमने जो अभी 2 स्क्रीन शूट लिया था उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। आपको भी स्क्रीन शूट ले लेना है क्योंकि उनको तभी पता चलेगा जब आप स्क्रीन शूट और अपना टेक्स्ट लिख कर देंगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है असल में। तो यहाँ पे देखें मैंने जो 2 स्क्रीन शूट ली थी उसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है सबमिट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऊपर रिसीव वेरिफिकेशन कोड विदाउट रिक्वेस्ट ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यस वाले बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको बैग आ जाना है, बैग आने के बाद दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करना है, कोने में 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा हेल्प वाले बटन पे क्लिक करना है, हेल्प वाले के बाद आपको यहाँ पे दोबारा डज नॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद विजिट आवर हेल्थ सेंटर वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा देखिए रिसीव वेरिफिकेशन कोड विदाउट रिक्वेस्टिंग, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा देखिए, इस पर नो करने के बाद आपको बीच वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वही टेक्स्ट आपने पेस्ट कर देना जो आपने लिखा था। यहाँ पे मैं दोबारा आपको स्क्रीनशॉट शो करवा रहा हूँ, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो लिखनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ देखें हमने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर दी, हमारे साथ जो मसला आ रहा था वो 24 घंटों के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा क्योंकि हमने व्हाट्सएप टीम को अपनी प्रॉब्लम बता दी, अपना नाम बता दिया, अपना नंबर बता दिया, अपनी कंट्री बता दी। ये जो है 24 घंटों के अंदर व्हाट्सएप जो टीम है वो सॉल्व कर देगी। और आपको सिंपली क्या करना है, 24 घंटों के अंदर आपको अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करना है और दोबारा से ट्राई लेना है। इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।